पिशावर में उसका तहरीक इंसाफ का जहां से राइज हुआ, जहां पे पीटीआई के पास क्लियर मेजॉरिटी है, वहां पर पीटीआई के घर में घुस के पीटीआई को मारना वॉज नॉट अ स्मॉल थिंग जो मौलाना ने की है, लेकिन कैसे की है, क्यों की है, यही असल बात है। फिर चारसद्दा में जो एएनपी का घर था वहां से भी मौलाना जीते हैं। और जो हुकूमती साइड है अगर आप देखें तो परवेज खटक के लोग, असद कैसर के लोग, फिर इनके अली मोहम्मद खान के लोग, और जो महमूद जान हैं इनके लोग, फिर जो ये तमाम लोग कैसे हारे हैं, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो कहा जाता है जो फैक्टर्स जिन्होंने रोल प्ले किया, अब हम उन फैक्टर्स की तरफ आते हैं बारी बारी। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ये कैसे रीगेन किया। एएनपी के बारे में कहा जाता है कि एएनपी पिछले काफ़ी अर्से से ये सियासत कर रही थी कि वो अपना ग्राउंड रीगेन करे, ग्राउंड पर भी काम कर रही थी, इसके अलावा वो इस्टेब्लिशमेंट जिसने उनको 2013 के इलेक्शंस में वाइप आउट करवाया था, इमरान खान को उनकी जगह रिप्लेस करके, इन पर खुद कुछ हमले और दीगर जिस तरह की एक पूरी इनके खिलाफ कंपेन चली थी। एएनपी 2013 के इलेक्शन में अपनी इलेक्शन कंपेन ही नहीं कर सकी थी और उसके बाद बिल्कुल केपी में मार्जिनलाइज होकर छोटी सी एंटिटी के तौर पर रह गई थी। तो उसको इस दफा उस तरह से नहीं, उसके रस्ते में रोड़े अटकाए गए एएनपी के, कोई साइजेबल कोई आपको कहे ना कि आपको मिल रहा हो एक सैंपल के, यार देखो ये एएनपी खिलाफ किया, तो वो नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो एएनपी की जो स्पेस इंक्रोच की थी उसको कुछ ढील दिया और एएनपी को वापस आने का मौका दिया। तो एएनपी ने अपना वोट बैंक चार्ज करके अपनी सीटें सिक्योर की हैं। इसके अलावा जो अब आप आ रहे पीपल्स पार्टी की तरफ, पीपल्स पार्टी ने पिशावर से एक बड़ा रीजनेबल वोट बैंक लिया, तो उसमें भी कहा जाता है कि जो अरबाब फैमिली है वो काफ़ी अमीर कबीर फैमिली है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इलेक्शन में इन्वेस्ट किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी कैंपेन अच्छी की तो वो उसकी वापसी हुई। अब आते हैं मौलाना की तरफ। मौलाना के बारे में कहा जाता है कि एक तो लाइक पिशावर की अगर हम एग्जांपल दें तो पिशावर में जो ये कैंडिडेट थे ये मौलाना के रिश्तेदार हैं, उनके साहबजादे हैं, और जो इनके वालिद हैं वो भी पहले नाजिम रह चुके हैं इसके पिशावर के, और कहते हैं जब वो भी जीते थे तो उनके जीतने के चांसेस 10% थे, लेकिन उन्होंने एएनपी को हरूम बलोर को हराया था उस वक्त। उसकी वजह ये कहते हैं कि जो मौलाना के जो कैंडिडेट हैं ये फैमिली, ये बड़ा पेशावर में ज़मीनों शमीनों के मामला डील करते हैं, कब्ज़ों के भी इल्ज़ाम लगते हैं कि ये कब्ज़ा भी करते हैं ज़मीनों पर, और ये भी कहते हैं काफ़ी मालदार असामी हैं, लेकिन ये पैसे को बड़ा स्मार्टली यूज़ करना जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको ख़र्चा करना चाहिए, किन पॉकेट्स में, और किन पॉकेट्स में आपको सिर्फ कैंपेन करना चाहिए और किन पॉकेट्स में आपका बस भी वोट बैंक है। तो दे आर वेरी वेल, जैसे कहते हैं ना वो जगह मार्क करने में, तो इन्होंने उस तरह से सब कुछ किया और इन्होंने भी सीट निकाल ली। दूसरी चीज़ जो मौलाना को जो एक फैक्टर जो हुआ कि मौलाना ने पिछले कुछ अरसे में जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इंतहाई सख्त जुबान इस्तेमाल की है, और अब जबकि इस्टेब्लिशमेंट नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पर सोच रही है तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि उनके ऊपर कोई सख्त तनकीद हो, कुछ इलेक्शन में अगर वो कोई किरदार अदा करें, वज़ीर इमरान खान की इमदाद करें, तो फिर उनको पता था कि मौलाना जो खड़े होकर बात करेंगे और जो उनका करैक्टर होगा वो बड़ा ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए पेनफुल होता है, और इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने भी इसमें बिल्कुल इन इलेक्शंस में कहते हैं कि बैक सीट पर रहे, न्यूट्रल रहने का फैसला किया। और इसके लिए कहते हैं कि आपको पता है जनरल फैज के ऊपर खसूसन मरीम नवाज़ और पीडीएम इल्ज़ाम लगाती रहती है कि वो सियासत में किरदार अदा करते हैं जब वो DGISI थे, तो अब वो कोर कमांडर पेशावर हैं, लेकिन उनको भी कहते हैं खसूसी तौर पे ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आप अपने आपको डिस्टेंस पे रखेंगे, और इस वजह से शायद उन्होंने भी, क्योंकि चीफ की इंस्ट्रक्शंस थी और अब क्योंकि वो कोर कमांडर है तो अब तो वो मुकम्मल तौर पर आर्मी चीफ के अंडर आते हैं, वो वज़ीर इमरान खान की उस तरह से नहीं सुन सकते, और चेन ऑफ कमांड के लिहाज से देखा भी है तो वज़ीर इमरान खान शायद उनसे बराह रास्त राबता नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं पीटीआई की हार के ऊपर।
कि क्या फैक्टर्स ने किरदार अदा किया। तो कहते हैं इसमें महंगाई एक फैक्टर थी, पहला फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा फैक्टर था कि पीटीआई जिन मंसूबों को शोकेस करती है कि देखो हमने केपी में इतना डिलीवर किया है, इतने बड़े बड़े काम किए, वो मंसूबे हैं जिसको कहते हैं कि केपी के लोग गालियां देते हैं। लाइक बीआरटी पिशावर है, पीटीआई बड़ा क्रेडिट लेती है, हमने बीआरटी पिशावर बनाई थी, पिशावर के लोग गालियां देते हैं कि उसने शहर का तारा निज़ाम धर्म भरम करके रख दिया, और जिस अंदाज में बनी और जिस अंदाज में अब तक चल रही है, तो वो जो सफ़ेद हाथी खड़ा किया उस पर पीटीआई को क्रेडिट नहीं मिल रहा, गालियां मिल रही हैं। दूसरा पीटीआई ने जो कोशिश की वो थी सेहत कार्ड का क्रेडिट लेने की, उसको भी कहते हैं कि लोग खुश नहीं हैं। लोग कहते हैं कि जितने पैसे आपने हमारे सेहत कार्ड में डबो दिए, इतने में आप हमें अस्पताल नहीं बना के देते। पिछली हुकूमतें नए से नए अस्पताल बनाती थी, आप नए अस्पताल बनाने के बजाय आपने वो पैसे इंश्योरेंस कंपनियों को दे दे। वो अगर बिलफर्ज 1 करोड़ लोगों की इंश्योरेंस हुई है इस हेल्थ कार्ड में, तो उनमें से बीमार तो 20 लाख होंगे ना, 20 लाख इलाज कराएंगे, 80 लाख के लोगों के पैसे वैसे ही इंश्योरेंस उस बीमा कंपनी की जेब में जा रहे हैं। तो उनको वो नजर आता है कि ये भी इसमें दो नंबरी की है पीटीआई ने, उनके साथ उनको नए अस्पताल नहीं बना के दिए, हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड नहीं करके दिया, बल्कि उनकी कह दिया कि आप जाके इलाज करवाने, और उसमें भी कहते हैं कि वो इलाज उस तरह से नहीं हो पाता लोगों का। फिर जो तीसरा फैक्टर था, जो कि इमरान खान साहब ने भी अब कहा कि नहीं टिकटें गलत तकसीम हुई, तो इस बात में भी हमें वजन मिला, और हमें इसके पीटीआई के वहां पे जो लोग हैं वो बताते हैं कि इमरान खान साहब के इन कैंडिडेट्स के हारने की बुनियादी वजह शाह फरमान और अली अमीन गंडापुर हैं। शाह फरमान जो गवर्नर केपी हैं, शाह फरमान के ने क्यों गलत टिकटें तकसीम की, तो पहले इमरान खान का और उनका जो ताल्लुक है उस पर भी थोड़ा हमें बात करनी चाहिए कि वो इमरान खान के बहुत करीब हैं। जब इमरान खान कंटेनर पर होते थे, और जाहिर बात है उन दोनों बड़ा प्रेशर होता था, इमरान खान जहनी दबाव का भी शिकार होते होंगे, जाहिर बात है नवाज शरीफ सब टस से मस नहीं हो रहे, इस्टेब्लिशमेंट ने जो वादे किए हैं कि हम इमरान नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा ले लेंगे, वो अंपायर उंगली नहीं खड़ी कर रहा, तो इमरान खान मुख्तलिफ तरह के जहनी दबाव से गुजरते होंगे, आवाम आ रही नहीं थी कंटेनर के आगे, लेकिन धरने को कंटिन्यू भी रखना था, तो वो फिर जो इमरान खान साहब उस जहनी दबाव से निकलने में जो चाहिए होता था कि उनको कुछ मिले कि वो उस जहनी दबाव से निकलें, तो उसमें शाह फरमान जो है उनका कहते हैं कि काफ़ी बुनियादी किरदार होता था, वो इमरान खान साहब को काफ़ी उन्होंने फैसिलिटेट किया कि वो जहनी दबाव से निकला करें। तो वो शाह फरमान साहब इमरान खान साहब के बहुत करीब है फिर इस वजह से। तो अब जो है कि लेकिन आज से तकरीबन 1.5 साल पहले शाह फरमान को हटाने का फैसला हो गया था केपी के गवर्नर से, लेकिन फिर वो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आ गई, पीटीआई में इंटरनल क्राइसिस क्रिएट हो गया, जहांगीर तरीन के साथ एक लड़ाई शुरू होगी, धड़ा बन गया सब कुछ, तो इमरान खान साहब की अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट होगी, तो वो तवज्जो ना दे सके, तो इसलिए शाह फरमान बच गए। अब इस इलेक्शन में जो शाह फरमान और अली मीन गंडापुर ने टिकटें तकसीम की, तो दो तरह के लोग थे, एक जो इनके शाह फरमान और अली मीन गंडापुर और दीगर पीटीआई के जो एमएनएस और वजीद थे उनके एटीएम थे, ऐसे लोग थे, और दूसरे वो लोग थे जो इन तमाम एमएनएस और अपने इन मिनिस्टर्स के इन लोगों के अपने रिश्तेदार थे। दो तरह के लोगों को सिर्फ टिकट मिली, कारकुन को टिकट नहीं मिली। तो जो कारकुन था, एक तो वो इस बात से गुस्से में गुजर रहे, ये तो गली मोहल्ले में हम सबको पता होता है कि जी ये फलां एमएनए का डेरा फलां बंदा चला रहा है, वो खर्चा करता है, इसके डेरे का खर्चा उठाता है, इसके घर के किचन का खर्चा फलां वो बंदा है वो उठाता है। तो जब उन्हीं लोगों को टिकट मिल गई, तो कारकुन को तो पता था कि यार ये तो इन्होंने अपने एटीमों को टिकट दे दी है। फिर कारकुनों को दूसरा लोगों पर जो गुस्सा था, जो दूसरी कैटेगरी थी जो इनके रिश्तेदारों की थी, उन पर गुस्सा था कि यार हमने तो इमरान खान को वोट दिया था कि ये मरूसी सियासत खत्म करेगा, इन्होंने पकड़ के मरूसी सियासत खुद शुरू कर दी, अपने रिश्तेदारों को टिकट दे दिया तो उनका नहीं वोट देंगे। तो ये दो फैक्टर्स ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और इमरान खान के लोगों ने बाहर निकल के वोट नहीं किया पीटीआई के कैंडिडेट्स को, बल्कि बाज ने तो दीगर जमातों के कैंडिडेट्स को वोट कर दिया। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था। फिर तीसरा है कि इमरान खान साहब के बार बार मदद मांगने के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट ने केपी के जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन थे, जो पहला मरला था, उसमें किरदार अदा नहीं किया।
और वो उन्होंने खुद को न्यूट्रल रखा और फिर रिजल्ट अब आपके सामने है। तो और जो अगला 16 दिसंबर को मरला है उसमें भी यही रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, और अगले धड़े उसमें शायद पीएमएलएन भी मजीद सीटें गेन करे। लेकिन इसमें जो इमरान खान साहब थे वो एक अरसे से चाहते थे कि ये इलेक्शन ना हो, वो इलेक्शन कमीशन को रोक रहे थे कि आप इलेक्शन ना करवाएं। उनको आइडिया था कि यहाँ पर मार पड़ेगी। हमें बहुत अच्छी तरह याद है 2020 में मैं अमृत शमसी के साथ काम करता था, तो उनका तरफ से हम इंटरव्यू करने गए, उन्होंने इंटरव्यू करना था असद कैसर साहब का, इधर मिनिस्टर इनक्लेव में हम गए, तो उनका जो एक रिश्तेदार था जो उनके तमाम पॉलिटिकल मामलात देखता था, तो जब अंबर इंटरव्यू करनी थी तो मैं उनके उस अजीज से गपशप कर रहा था। उनसे मैंने पूछा कि आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कब करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हमने अभी करवाने। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अभी महंगाई बहुत है तो हमें मार बहुत पड़ेगी। तो 2020 में भी पीटीआई को आइडिया था कि महंगाई बहुत है तो हमें मार बहुत पड़ेगी तो इलेक्शन नहीं करवाने, तो महंगाई वैसे की वैसी रही और पीटीआई इलेक्शन में उतरी, नतीजा आपके सामने है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।